वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए सोमवार को संसद में बजट पेश किया, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत शहर के कई नेताओं ने बीसीएन समक्ष अपनी राय पेश की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया, वही नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की। पेश किए गए बजट में 6 पिलर्स के नाम स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए। इस बजट को देखते हुए कई लोगों ने अपनी राय दी, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा है कि केंद्राचा जो अर्थसंकल्प जाहीर झालेला आहे, अतिशय निराशाजनक असा अर्थसंकल्प आहे। सर्वसामान्याला या अर्थसंकल्पामध्ये दुर्लक्षित करण्यात आलेलं असं सर्व दिसत आहे। शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या अर्थसंकल्पात झालेलं आहे। शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कुठेही ठोस असे निर्णय या अर्थसंकल्पामध्ये झाले नाही। खाजगीकरणाच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प चालला अशा पद्धतीने दिसत आहे। याच्यामध्ये सर्वसामान्याला असं वाटत होतं की त्याला न्याय मिळेल या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून, की कोरोनाच्या संकटातून आता सर्वसामान्य हळूहळू बाहेर येत आहेत आणि अशा पद्धतीनं या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काहीतरी सर्वसामान्यांना न्यायाची भूमिका मिळेल अशा पद्धतीने सर्वांची अपेक्षा होती, पण मोठ्या प्रमाणात सर्वांची निराशा येत्यात झालेली। मोदी सरकार की इस बजेट में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को रियायत दी है। सरकार ने ऐलान किया कि अब 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इस विषय में जब राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल से पूछा गया, तब उन्होंने अपनी राय दी। है कि राज्यामध्ये देशामध्ये केंद्र सरकार कोरोनाच्या नंतर बजेट सादर करते। कोरोनाच्या काळामध्ये जो काळ गेला त्यात राज्यांना निधी देण्यात केंद्र सरकार अपुरं पडलं। केंद्र सरकारने आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर कर वाढवण्याशिवाय दुसरं काही काम या वर्षभरात केलं नाही। या देशातल्या जनतेला पुढ्या मागच्या वर्षभरात 12 रुपयाने पेट्रोलवर टॅक्स वाढवून केंद्र सरकारने आपली अर्थव्यवस्था बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न केला। आता कोरोना जवळपास कमी झाल्यासारखा दिसतोय आणि म्हणून आमची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून आहे की देशातल्या नागरिकांना कराचं बोजं त्यांच्यावरून कमी व्हावा, पेट्रोल डिझेलवरच्या किमती कमी करून त्यांना बरीचशी राहत त्यांनी द्यावी। इस बारे में जब राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो काफी निराशाजनक है और इससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। देश के इस बजट ने पूरे महाराष्ट्र के नहीं महाराष्ट्र के साथ ही देश के लोगों को बहुत निराशा में धकेल दिया है। सही तो एक ऐसा अर्थसंकल्प है जिस देश की बर्बादी की ओर मुझे लगता है कि बर्बादी की ओर ये अर्थसंकल्प ढकेल रहा है। जिस देश का GDP -7 होता है और जिस देश में वित्तीय टूट जो होती है, फाइनेंशियल जो माइनस होता है वो 9.5 है, इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर हो चुकी है। जिस देश में वित्तीय टूट -9.5 हो जाती है तो अर्थसंकल्प की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे यह लगता है कि जो कोरोना के महासंकट के बाद जितने लोगों का रोजगार गया था, बेरोजगारी बढ़ी थी, इसी के साथ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बंद पड़ने का प्रमाण जो था बहुत ज़्यादा था। करीबन 1,75,000 इंडस्ट्री इस देश में बंद पड़ी है, 8 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। इसके बारे में लोगों के हाथ को काम देने के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसी और किसानों ने आज जो संकट से किसान गुजर रहा है, हमारी सरकार थी 2008-09 में हमने 70,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया था मनमोहन सिंह सरकार। अभी 15-16 साल जो बीच में के गए, इसमें 5-6 सालों में GST के बाद, नोटबंदी के बाद,
और किसान को जो MSP नहीं मिल रहा है, ये सब में किसान बर्बादी के रास्ते पर है। तो ऐसी बड़ी घोषणा की अपेक्षा थी, ये इसमें कुछ नहीं दिया गया, केवल एयर इंडिया बेचने का काम, आवश्यकता पड़ी तो सरकारी जमीन बेचकर देश चलाने का काम, ऐसी ये स्थिति लाई है। और एयर इंडिया को बेचने का निर्णय भी ये सरकार ने अभी लिया है। काफी सारे संस्थाओं को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, अब सब कुछ बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। आगे में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो गैप है अभी 9.5 का, उसको पूरा कवर करने के लिए ये निर्णय उनको लेना पड़ेगा। और सरकार को बहुत सारे संस्थाओं को बेचना पड़ेगा, जमीन को बेचना पड़ेगा, उन्होंने तो उसका उल्लेख भी किया है। मैं ये समझता हूं कि अभी ये स्थिति से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार के बस की बात नहीं है, अभी प्रभु रामचंद्र को ही आना पड़ेगा। इसलिए इनको जो गड़बड़ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाने की, तो जल्दी बनाकर प्रभु रामचंद्र के दरबार में जाकर बैठे और बताए कि प्रभु जी, रामचंद्र जी, हमें तो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, केवल आप ही कुछ करो, ऐसी भूमिका इस सरकार की दिखती है। ये पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करने वाला, किसानों को बर्बाद करने वाला, बेरोजगारों को बेरोजगारी के और खड्डे में डालने वाला, आम आदमी की परेशानी बढ़ाने वाला, ऐसा ये अर्थसंकल्प है, ऐसा ये बजट है। और ये इस बजट से जनता को जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा में खरी नहीं उतरने वाला यह अर्थसंकल्प है। बता दें कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया, जिसके बारे में अनेक लोगों ने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BC News, नागपुर।